हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू डैटसन गो 2021 के बारे में। अभी आप ये डैटसन गो का टी वेरिएंट देख रहे हैं। टोटल चार वेरिएंट्स में आती है डैटसन की गो, डी ए टी और टी ऑप्शनल। अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 4 लाख से स्टार्ट होती है और जो इसका टॉप एंड वेरियंट है वो 6,51,000 एक्स शोरूम जाता है। अभी आप ये जो टी वेरियंट देख रहे हैं, अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 5,75,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड लखनऊ की बात की जाए तो 6,53,000 का आपको लगभग ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। और इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन आता है, डीजल का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें आपको मैनुअल और सीबीटी दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। अगर इसे इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आपको एक इंजन ऑफर किया जाता है, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन जो 1,198 सीसी का होता है, जो 68 BHP की पावर देता है और 104 NM का टॉर्क देता है और लगभग 19 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे होंगे, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है डैटसन गो में और काफ़ी कम रेंज की आपको गाड़ी मिल जाती है। ऐसी कुछ आपको की मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। पीछे डैटसन की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है और ग्रिल आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाती है सामने की तरफ से। यहाँ पर डैटसन की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं पूरी ग्रिल में, जिससे कि लुक्स काफ़ी इन्हेंस हो जाते हैं सामने की तरफ से। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी हुई है। ये रेडिएटर ग्रिल है जो कि यहाँ से पूरा आपको एयर फ्लो होता है। यहाँ पे आपको इस यूनिट की बात की जाए तो हेलोजन हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में और नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाती है। अगर आप टॉप एंड वेरियंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉग लैम्प भी ऑफर किए जाते हैं। और फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया आपको डिज़ाइन में मिल जाता है यहाँ पर गो में। और अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में और बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको 14 इंच के स्टील लिम्स मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ में और इनके जो व्हील कवर्स भी हैं वो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में आपको दिए गए हैं। उसमें डैटसन की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। सस्पेंशन का ट्रेवल आप देख रहे होंगे ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। और ORBMs की बात की जाए तो बॉडी कलर ORBMs आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको ORBMs मिलते हैं। यहाँ पे फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, तो इंडिकेटर आपको फेंडर पे दिया हुआ है। गाड़ी के लेंथ की बात की जाए तो 3.7 मीटर आपको टोटल लेंथ मिलती है और गाड़ी की जो हाइट है 1.5 मीटर मिल जाती है और गाड़ी की जो विथ है 1.6 मीटर आपको मिलती है। तो डायमेंशन काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के। चलते हैं रियर प्रोफाइल में और देखते हैं रियर प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो पीछे से भी काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी और इसमें कुछ एसेसरीज़ की भी लगी हुई है। यहाँ पर आपको हेलोजन टेल लैम्प्स मिल जाते हैं डैटसन गो में, ऐसे कुछ आपको डैटसन गो में टेल लैम्प्स दिए हुए हैं। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल जो है ये एसेसरीज़ का पार्ट है, आपको ये कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है। और पीछे आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लाइट दी हुई है और पीछे से भी काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी। यहाँ पे आपको डैटसन की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, ब्रांडिंग आपको पीछे भी मिल जाती है। यहाँ पे गो की आपको बैजिंग दी हुई है। कम रेंज की बढ़िया बढ़िया गाड़ी आपको मिल जाती है। तो पीछे से भी काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको दिए हुए हैं डैटसन गो में। नीचे का आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे होंगे, 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गो में। फ्यूलिड में आपको बात की जाए तो 35 लीटर की आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। अब चलते हैं बूट खोलते हैं इसका। तो डैटसन गो में आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है और काफ़ी आपको स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है यहाँ पे, जो कि स्टील रिम में दिया हुआ है। टूल किट भी आपको मिल जाती है डैटसन गो में। यहाँ से आप सीट को जो है फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि स्पेस और बढ़ जाएगा। तो स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है डैटसन गो में। चलिए बंद करते हैं और चलते हैं पीछे के डोर्स पे। यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर्स हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे क्रोम जो है एसेसरीज का पार्ट है। पीछे का डोर आपको पूरा ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, कोई डुअल टोन कलर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई स्पीकर और बोतल होल्डर की प्लेसमेंट आपको पीछे वाले डोर्स पर नहीं मिलती है। और रियर कैबिन जो है आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, स्पेस भी ठीक ठाक है। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं।
तो डेटसन गो में आपको स्पेस काफ़ी ठीक ठाक मिलता है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। लेग रूम भी आप देख रहे होंगे ठीक ही ठाक है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, यहाँ पे कोई एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाती है। पूरा इंटीरियर देख रहे होंगे आप, ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। पीछे आपको पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और पूरा इंटीरियर पीछे से ऐसा दिखता है। डैशबोर्ड डुअल टोन कलर में पूरा डैशबोर्ड आपको मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है प्राइस रेंज के हिसाब से। इधर भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। कंपटीशन की बात की जाए तो सेंट्रो और ऑल्टो से कॉम्पीट करती है डैटसन की गो। चलते हैं आगे के डोर्स पे और देखते हैं आगे के डोर्स पे आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्स डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और आगे का डोर आपको पूरा ब्लैक फिनिश में यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा डोर आपको पूरा ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, कोई डोल टोन कलर का ऑफर नहीं किया गया है। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चाइल्ड लॉक आपको मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर एंड बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। टू स्पीकर्स आपको मिलते हैं डैटसन गो में। फ्रंट कैबिन आप देख रहे होंगे, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है डैटसन की तरफ से। यहाँ पे आपको फैब्रिक एपॉक्सी मिल जाती है, यहाँ से आप सीट को रेक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फील्ड ओपनर और बूट खोलने का आपको कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड देख रहे होंगे, काफ़ी आपको बढ़िया डिज़ाइन में आप ऑफर किया गया है। यहाँ से आप ORBM के एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे आपको पैडल्स मिल जाते हैं मैनुअल के। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं क्या कुछ आपको गो में ऑफर किया गया है। पूरा इंटीरियर आप देख रहे होंगे ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में पूरा दिया गया है। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं और देखते हैं गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको फिजिकल की दी हुई है जिससे कि आप गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जिसमें आपको एनालॉग स्पीड और टैकोमीटर दिया हुआ है। छोटी सी MID दी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सारी चेकलाइट्स आपको मिल जाती हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। 150 जो है इसकी टॉप स्पीड है डैटसन गो की। यहाँ से आप MID के सारे कंट्रोल्स कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको राउंड शेप में स्टीयरिंग दिया हुआ है जिसमें कोई भी आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। बीच में डैटसन की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी हुई है और यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाता है आपको। इधर हेडलाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसा कुछ आपको पूरा स्टीयरिंग दिया हुआ है डुअल टोन कलर में। यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं आपको राउंड शेप में और यहाँ पे आपको ऊपर AC वेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करता है। ये 2 स्पीकर्स का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ से आप इंफोटेनमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से पे आपको AC से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और इधर हजार लाइट के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है। आपको CVT का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया फिनिश दी हुई है अंदर। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है, बाकी यहाँ पे कोई स्पेस आपको नहीं दी हुई है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। तो इंटीरियर जो है काफ़ी ठीक ठाक है डैटसन गो का। प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक गाड़ी है। ऊपर यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलेगा, बीच में लाइट्स मिल जाती हैं आपको और इधर भी आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है।
यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है ब्लूटूथ के लिए। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो डैटसन गो में आपको ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और 2 एयरबैग आपको मिल जाते हैं डैटसन गो में। तो ये थी डैटसन की गो। कैसे लगी आपको डैटसन की गो कमेंट करके जो बताएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू ड्रीम निसान आलमबाग लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी निसान एंड डैटसन कार, विजिट दिस शोरूम। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।